बाहर से शांत दिखने वाले समुंदर अपने अंदर कई तूफान छुपाए बैठे हैं। तुमने अभी मेरे अंदर झांक कर देखा, ध्यान से देखो और भी गहराई दिखाई देगी। संभल कर ऐसे देखते रहोगी तो प्यार हो जाएगा मुझसे। That is impossible. मेरे डैड की भी किसी से दुश्मनी थी, वो भी बदला लेना चाहते थे और उसी वजह से उन्होंने मुझे और मेरी माँ को अपने से दूर रखा। हमें कभी प्यार नहीं दिया। मेरी माँ दिन रात उनका इंतजार करती रहती थी। इस बार उनका 50वां बर्थडे है, वो चाहती है कि वो उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताए। ऐसे क्या देख रहे? ये बहुत ही हैवी मोमेंट है। अमृता के सामने डॉलर ने वो सवाल लाके खड़ा कर दिया जिससे अमृता भाग रही थी। और अब जो होता है ना, जब जिस चीज़ को आप दबा कर रखते हो और अगर वो कोई आपके आगे वो चीज़ बोल देता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन अमृता के साथ हो गई है। शी इज़ क्राइंग रिलेंटलेसली, ये बात सोच के कि अब वो वीर उसका नहीं है, मतलब फिर से वो चीज़ हिट करी है उसको। और देन वो डॉलर उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता है एंड देन पता चलता है कि वीर पीछे है। तो वीर को दिखाने के लिए, जलाने के लिए, शी कंटिन्यूज़ पुटिंग अप अ ब्रेव फेस। और वीर की आंखों से आंसू टपक रहे हैं और अमृता से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी शी इज़ हर्टिंग वीर सो दैट ही मूव्स ऑन विद हिज विद हर सिस्टर। लग रही है, बिल्कुल लग रही है, इसीलिए तो परेशान है वीर, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसे ये नहीं पता था कि उसे किसी और को देखना पड़ेगा उसके साथ, और सब कुछ इतना जल्दी हो गया है और वो समझ भी नहीं पा रहा है कि इतनी जल्दी मूव ऑन कर रही है या क्या हो रहा है, तो इसीलिए और ज़्यादा परेशान है वीर। जो सिचुएशन है वो तो है ही, लेकिन किसी और को उसके पास आते देख के कुछ नहीं कर पा रहा है। बोला नहीं भाई, गुस्सा मार दिया और क्या करे। हाँ, पहले घुसा मार दिया, लेकिन अब इस सीन में कुछ बोल भी नहीं बोल नहीं पा रहा है अब, क्योंकि करना तो वही है जो सबके लिए सही है, बट वो कितना सही है या नहीं है वो तो पता चलेगा। हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी या पूरी हो जाएगी वो पता चलेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। बिना खाए इतनी एनर्जी बोलो ना, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे दिल्ली अगल्ला ओनली ऑन सोनी सब। ये रात को भी जागती है, ऐसे ही बोलती है 3 बजे उठ के, देखते रहिए दिल्ली।